है, स्टार्ट कर लेगा, मैं पढ़ लेता हूँ ओपन। ऑल राइट, तो अपन कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इसमें स्कीम्स इन न्यूज है, मिसेलेनियस इनिशिएटिव में नेशनल आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट, संजय हाईलाइट कर देना। प्रोजेक्ट वॉज इनिशिएटेड इन 2018 फॉर क्रिएटिंग कॉम्प्रिहेंसिव IT बैकबोन फॉर एंटायर सेक्टर। डिजिटलाइजेशन ऑफ द एंटायर आयुष सेक्टर विल लीड टू इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इन द फील्ड्स ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी एट ऑल लेवल्स इंक्लूडिंग रिसर्च, एजुकेशन एंड हेल्थ प्रोग्राम्स, ड्रग रेगुलेशन। ठीक है, फिर आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप बनाया है, योगा लोकेटर मोबाइल ऐप भी है। कस्टमाइज्ड IT कोर्स फॉर आयुष प्रोफेशनल्स वॉज डेवलप्ड इन कोलेबरेशन विथ सीडैक। एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू सपोर्ट आयुष एजुकेशन इज बींग लॉन्च विद द नेम आयुष नेक्स्ट। दिस हैज बीन डेवलप्ड एंड इज एक्सपेक्टेड टू गो ऑनलाइन सून। नाउ आयुष ग्रिड इज ऑल्सो बींग इंटीग्रेटेड विथ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा है इंपॉर्टेंट, लेट मी समराइज वन मोर टाइम। नेशनल आयुष ग्रिड प्रोजेक्ट है, 2018 में लॉन्च किया था। IT बैकबोन बनाएंगे इसके अंदर, डिजिटलाइजेशन ऑफ एंटायर आयुष सेक्टर करेंगे, देन ट्रांसफॉर्म करेंगे हेल्थ सेक्टर को, डिलीवरी एट ऑल द लेवल्स। आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप है, योगा लोकेटर मोबाइल ऐप, बाकी ठीक है। इंटीग्रेटेड विथ नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, TKDL, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेंस में कोट करने के लिए भी। इनिशिएटेड इन 2001, इट कम्प्लीट 20 ईयर्स इन कोलेबोरेशन विथ CSIR एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। TKDL डेटाबेस कंटेंट्स मोर देन 3.9 लाख फॉर्मुलेशंस प्रैक्टिसेस फ्रॉम इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन्स। आयुष फुल फॉर्म है आयुर्वेदा सिद्धा, नहीं योगा है ना शायद आगे, आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा, होम्योपैथी। ठीक है। एक सेकेंड यार, हाँ नेक्स्ट है, इट इज इन 5 लैंग्वेजेस, इंग्लिश जर्मन फ्रेंच जापनीज एंड स्पैनिश। ओके, 5 लैंग्वेज याद कर लो, आ सकता है 10 लैंग्वेज पूछ लेगा। इट इज अवेलेबल टू ओनली पेटेंट एग्जामिनर्स थ्रू TKDL एक्सेस, मतलब याद रखना है कि इट इज नॉट ए पब्लिक लाइब्रेरी काइंड ऑफ थिंग, ओनली टू पेटेंट एग्जामिनर्स। इट सीक्स टू प्रिवेंट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कंट्रीज ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज एट इंटरनेशनल पेटेंट ऑफिसेस बाय प्रिवेंटिंग द ग्रांटिंग ऑफ पेटेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स डेवलप्ड यूटिलाइजिंग इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज। सो फार 239 पेटेंट एप्लीकेशन हैव ईदर बीन सेट असाइड, विदड्रॉन, एमेंडेड बेस्ड ऑन द प्रायर आर्ट एविडेंसेस प्रेजेंट इन TKDL डेटाबेस। ठीक है, तो आई समराइज अगेन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का एंड CSIR का कोलेबोरेशन है, 3.9 लाख फॉर्मुलेशन प्रैक्टिसेस है इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन की। आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा योगा यूनानी सोवा रिगपा एंड होम्योपैथी। 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस में है ये, इंग्लिश जर्मन फ्रेंच जापनीज स्पेनिश, हिंदी नहीं है इसमें, कोई लोकल लैंग्वेज भी नहीं है। अवेलेबल ओनली टू पेटेंट एग्जामिनर्स, नॉट अवेलेबल टू पब्लिक। इसका मेन एम है टू प्रिवेंट मिस अप्रोप्रिएशन, ठीक है, एंड पेटेंट जो इलीगल को रोकना है उसको। आई थिंक कमेंट में विजय ने कुछ डाला है, इंडिया ट्रेडिशनल नॉलेज TKDL एज अ डेटाबेस कंटेनिंग फॉर्मेटेड इन्फॉर्मेशन ऑन मोर देन 2 मिलियन मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस इज प्रोवाइडिंग अ पावरफुल वेपन इन द कंट्रीज फाइट अगेंस्ट एनॉर्मस पेटेंट्स। प्रोज एंड कॉन्स करने हैं, इसका क्वेश्चन आया 2015 में आया था। विजय अभी डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन को। आई थिंक क्विकली इफ नो ऑल ऑफ अस कैन ऐड वन वन पॉइंट 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, कर लेंगे। लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। इंडिया TKDL विच हैज अ डेटाबेस कंटेनिंग फॉर्मेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 2 मिलियन मेडिसिनल फॉर्मेशंस इज प्रूविंग पावरफुल वेपन इन द कंट्रीज फाइट अगेंस्ट एरोनियस पेटेंट्स। डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स मेकिंग दिस डेटाबेस पब्लिकली अवेलेबल अंडर ओपन सोर्स लाइसेंसिंग। 2015 में आया GS3। एक और क्वेश्चन है, हाउ इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन फ्रॉम पेटेंटिंग बाई फार्मा कंपनीज। 2019 GS3।
बताओ इसमें हाउ विल यू गाइस इंट्रोड्यूस? कोई बोलेगा यार? नीति जी माइक ऑन कर सकते हो आप? नहीं बस इंट्रो ही बोल रहे थे और कुछ नहीं। ऐसा भी कर सकते हैं ना कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है काफ़ी रिच है हिस्टोरिकली भी, जो संहिता चरक संहिता वगैरह है ना, ऐसा कुछ डाल सकते हैं अपन। काफ़ी पहले से इस पर काम होते आए हैं हिस्टोरिकल डायमेंशन देखें। हाँ क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी डेटा गिवन है ना, तो सिर्फ डेटा से स्टार्ट करने से बेटर है कि थोड़ा ओरिजिन से शुरू करना है। करेक्ट, हाँ ठीक है। तो आई वुड मेंशन चरक संहिता एंड हिस्टोरिकल है एंड देन गो ऑन टू नेक्स्ट पैरा में टीकेडियल क्या है कैसे बना है। अपन ने देखा अभी सी एस आई आर का एंड उसका कोलेबोरेशन है, फिर भी देखते हैं। इट इज अवेलेबल ओनली फॉर पेटेंट एग्जामिनर्स, नॉट फॉर पब्लिक। एंड देन फिर जो क्वेश्चन में पूछा है कि पब्लिक को अवेलेबल करने के प्रोज क्या है कौन से क्या है, अब बताओ प्रोज क्या होते हैं पहले तो पब्लिक को अवेलेबल करने से। तो no, what you said, intro and these basic facts डाल देंगे and then coming directly to intro, intro में we can, I mean, prose में we can tell कि if the traditional knowledge is made available, that will, you know, increase the chances of increasing the products from the traditional knowledge base, na? जो भी it may be medicines also, any chemical formulations, so it might create to opening of new industry, I mean, broadly ऐसा बोल सकते on this line, so it will benefit Indian. सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ावा दे सकते हैं ना। मतलब ऐसा है कि अगर गांव के जो नॉलेज है, मतलब इंडिजिनस नॉलेज ट्रेडिशनल, अगर हम उसको बढ़ावा देते हैं तो ऑब्वियसली ये इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है और सोशल मतलब अपलिफ्टमेंट भी होगा और लोगों को थोड़ा क्या बोलते हैं आप, रिकॉग्निशन भी मिलेगा। करेक्ट, वो सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एम्पावरमेंट ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटी वो भी हो सकता है। करेक्ट, और रूरल एरियाज में जो एलोपैथी वो मेडिसिन वो पहुंच नहीं पाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है, तो ये रूरल बेस को ज्यादा हेल्प कर सकता है ट्रेडिशनल नॉलेज। हाँ आप ऐसा भी बता सकते हो कि अगर कोई गांव है जहाँ पे कोई फेमस है, मतलब ये जो बोलते हो आप मतलब जो इन मतलब एक फेमस डॉक्टर है वो ट्रेडिशनल नॉलेज बताता है, तो इसमें क्या होता है उसके पास गांव को पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है, सो इसी बहाने रास्ते भी हो जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हाँ कनेक्टिविटी भी हो सकता है। आई मीन बाय मेकिंग इट ओपनली अवेलेबल ना, तो मिसयूज का चांसेस लेटली वी कैन रिड्यूस इट, जो इलीगली दे आर यूजिंग द नॉलेज, सो दैट कैन आल्सो बी। और ऐसे भी कर सकते हैं ई कॉमर्स से भी जोड़ सकते हैं बाय एम्पावरिंग एमएसएमईज वो प्रोडक्शन थ्रू ई कॉमर्स, और हमारा डिजिटल डिवाइड जो है वो भी कम कर सकते हैं और रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। करेक्ट, एंड एक और चीज है जो इसमें बोला है ना कि पेटेंट एग्जामिनर अभी करते हैं, मतलब चेक करते हैं कि मिसयूज कहीं हो रहा है कि नहीं बाहर, तो अगर किसी पब्लिक को भी सामने आया कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे कुछ मिसयूज हो रहा है तो दे कैन फाइल द कंप्लेंट्स ऑनलाइन इटसेल्फ, ज्यादा मतलब पकड़े जाएंगे ऐसे पेटेंट्स। और जैसे आदित्य जी ने बताया वो पब्लिक अवेयरनेस, तो एवरी नेशन हैज इट्स कल्चर हैज इट्स रूट्स, तो इसमें हम कल्चर को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर इज वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, तो वो भी प्रमोट हो रहा है। But I think adding to Ajay's point, no, he mentioned that Himalayan states could benefit due to medicine herbs. So this will reduce kind of regional inequality, reduce because these herbs and all are not available. I mean, this knowledge is not available with everyone. So they can benefit more economically. मतलब alienation हो जाता है ना, मतलब वो जो जगह है, तो it is a chance to reduce the gap of alienation.
कौन? यार एक सेकेंड अदिति, आपके पास लैपटॉप में खुला है क्या जी गूगल मीट? क्या हुआ? मतलब कोई कॉपी कर ले, सारे जो कमेंट्स है ना काफी अच्छे पॉइंट्स है, इनको सारे वो मर्ज कर सकते हैं ना कोई तो? मैं एक हेडर डाल दो ना, अलग हेडर बना हुआ है क्या? डाल देता हूँ मैं, लेकिन हाँ वो डाल दो, कॉपी मैं डाल देना। कॉपी करके वो डाल देती हूँ। तो रिकॉर्ड हो रहा है ना? ये कॉन्स डिस्कस कर लो, कॉन्स। हाँ, कॉन्स इज बाय मेकिंग इट ओपनली एक्सेसिबल, इट माइट दिस नॉलेज माइट रीच टू दोज पीपल हु विल नॉट शेयर द बेनिफिट। सो फेयर एंड इक्विटेबल, इफ दे डोंट शेयर द बेनिफिट टू द इंडिजिनियस पीपल ना, सो देन दे कैन बेनिफिट डिस्प्रोपोर्शनेटली। It may be even the Western countries or even within the country. So Whether they can. WHO has recognized this traditional knowledge? If you see now in CBD, there is one principle, right? Fair and equitable sharing of that can we write here? अरे बोलो कोई कुछ, कॉन्स में क्या क्या आएगा? कॉन्स में आई थिंक ये इसने पॉइंट अच्छा रेज किया विजय ने कि इक्विटेबल नहीं होगा वो चीज, और आई थिंक के अंदर भी है और हमारे बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंदर भी ये चीज इंक्लूडेड है, लाइक कैसे वो होगा। एंड आई थिंक जो हमारे ट्राइबल्स थे, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, फॉरेस्ट एरियाज है जहाँ पे ऐसे कुछ मेडिसिनल है, तो उनके लिए एक्सप्लॉयटेशन बढ़ सकता है। हाँ, और कोई पॉइंट ऐसा भी है? हो सकता है कि ट्राइबल्स का जो नॉलेज था, मतलब जो कैपिटलिस्ट माइंड के हैं वो सीख के, मतलब उनका पेटेंट ले ले और उनको बेनिफिट ना पहुंचे। अगर कुछ कहीं पर एस्टैब्लिश हुआ, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर गांव गांव के आसपास जंगल में, तो एनिमल कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये सोअर एक आयुष के ही अंदर आता है क्या? ये इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है। हाँ वही तिब्बती, मैंने भी वही पढ़ा है इसलिए पूछ रहे हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। अक्षय क्या कर रहा है यार? पोस्ट कर चलो, अरे मैंने कर दिया कब का? अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट पे तो यार काफी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। स्क्रॉल करेगा तब ना। कौन सा? हमें वो डेटाबेस के बताने हैं ना, लेकिन ओपन पब्लिकली अवेलेबल। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, न्यूली लॉन्च स्कीम, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फार्मा। ऑब्जेक्टिव है एनहेंस इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन इन द सेक्टर एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन टू हाई वैल्यू गुड्स इन द फार्मा सेक्टर।
create global champions out of India who have the potential to grow in size and scale using cutting edge technology and thereby penetrate the global value chains. Salient features: the approved outlay of the scheme is 15,000 crore. Applicant कौन होता है? Any proprietary firm or partnership firm or LLP or a company registered in India. Should not have been declared bankrupt, willful defaulter नहीं होना चाहिए. Reported fraud नहीं होना चाहिए. Okay, maximum of 55 applicants will be selected under the scheme. Applicants will be required to achieve minimum cumulative investments per year over a period of 5 years as prescribed under the scheme. The applications are invited in three groups based on global manufacturing revenue of financial year 1920, less than 500 crore, between 500 crore to 5000 crore, and more than 5000 crore. Base year is 1920, tenure hoga 2021 to 28-29. Scheme is implemented by project management agency. The eligible products have been categorized into three categories: formulations, biopharmaceuticals, active pharma ingredients, key starting materials, drug intermediaries, in vitro diagnostic medical devices, etc. Category 1 and 2 kaun si hai? Attract 10% incentive. Category 3 products attract 5% incentive on the incremental sales. ठीक है. समराइज कर दूं एक बार. ओके, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी एनहांस करनी है. इन्वेस्टमेंट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाएंगे, ग्लोबल चैंपियन बनाना है इंडिया के अंदर से. इसमें एलिजिबल कौन है? प्रोप्राइटरी फर्म, एलएलपी या फिर कंपनीज. मैक्सिमम 55 लोगों को सिलेक्ट करेंगे एंड 5 इयर्स के लिए मिनिमम क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट पर ईयर कुछ तो अचीव करना होगा उनको 5 इयर्स तक. ठीक है, तीन ग्रुप्स में करा हुआ है. अप टू लेस देन 500 करोड़, 500 टू 5000 करोड़ एंड मोर देन 5000 करोड़. 2020 से लेकर 28 तक है स्कीम. इम्प्लीमेंटेड बाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी एंड बहुत कैटेगरीज भी करे हुए हैं. 10% इंसेंटिव एंड 5% इंसेंटिव. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट है रीस्ट्रक्चर्ड मॉडिफाइड स्कीम्स. इसमें है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल केएसएमएस, की स्टार्टिंग मटेरियल्स, ड्रग इंटरमीडिएट्स एंड एपीआई, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स. ऑब्जेक्टिव है प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल केएसएम, ड्रग इंटरमीडिएट्स एंड एपीआईज बाय अट्रैक्टिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर to ensure their sustainable domestic supply and thereby reduce cost. kya hai India's import dependence kam karna hai. theek hai, salient features hai, scope kya hai, highlight karna Sanjay. scope under the scheme: financial incentives shall be given based on sales made by selected manufacturers for 41 products. These 14 products which cover all the identified 53 APIs. Out of 53 identified bulk drugs, 26 are fermentation based bulk drugs and 27 are chemical synthesis based bulk drugs. Rate of incentive will be 20% incremental sales value for fermentation based bulk drugs and 10% for chemical synthesis based bulk drugs. The scheme is applicable only for greenfield projects. बाकी कौन से फील्ड होते हैं यार? ऐसे ब्राउन फील्ड होता है ना एक? Yes, ब्राउन फील्ड. What else? And ग्रीन फील्ड. ठीक है. Financial incentive shall be given to eligible manufacturers on their incremental sales
over the base year 1920 for the period of 6 years. Scheme shall be implemented through project management agency to be nominated by Department of Pharma. अरे क्या चीज है, किसी ने सुना है क्या पहले? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी क्या होता है? ठीक है, फॉर नाउ विल जस्ट रिमेंबर इट इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा. टेन्योर है 2020 से 29 तक. रीसेंट चेंजेस, रिप्लेसमेंट ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ मिनिमम थ्रेशोल्ड इन्वेस्टमेंट विथ कमिटेड इन्वेस्टमेंट बाय द सिलेक्टेड एप्लीकेंट. ठीक है, तो वर्ड चेंज कर दिया है. क्या डिफरेंस होगा दोनों में? एनीवन? नीचे ले लो. डिलीशन ऑफ द प्रोविजन विच रिस्ट्रिक्ट्स द सेल्स ऑफ एलिजिबल प्रोडक्ट्स टू डोमेस्टिक सेल्स ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ रिसीविंग इंसेंटिव्स, bringing the scheme in line with other PLI schemes, encouraging market diversification. Change in the minimum annual production capacity for 10 products: tetracycline, neomycin, para-aminophenol, meropenem, artesunate, losartan, telmisartan, acyclovir. They can ask these things like, what are these components? Right. Aspirin. In the one of the previous year question paper, they had asked, they had mixed the fertilizers and these pollutants, something. Yeah, right. I think banned, you know, or persistent organic pollutant. Just a minute, I will check it whether I have. यार कोई please summarize कर दो इसके जो ऊपर पढ़ा अपने भी. यार ये वाला तू कर दे, नेक्स्ट जो होगा ना वो मैं कर. ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव था डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना. इसमें क्रिटिकल केएसएम, दैट इज की स्टार्टिंग मटेरियल, एंड ड्रग इंटरमीडिएट एंड एपीआई, दैट इज एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स, बाय अट्रैक्टिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट्स, सस्टेनेबल डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ाना है, एंड दस रिड्यूस इंडियाज इम्पोर्ट डिपेंडेंस. ठीक है, तो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स. इस स्कीम के अंदर फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए जाएंगे इंक्रीमेंटल सेल्स के बेसिस पे. फिर 41 प्रोडक्ट्स है इसके अंदर, विच कवर ऑल द आइडेंटिफाइड 53 एपी. ऑलराइट, इंप्लीमेंटेशन करेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मा के अंदर आता है. 2020 से लेकर 2930 तक इंप्लीमेंट करेंगे. एंड इसमें अभी रिसेंट चेंजेस था कि मिनिमम थ्रेशोल्ड इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस कर दिया है कमिटेड इन्वेस्टमेंट बाय द एप्लीकेंट. मुझे नहीं समझा क्या मतलब है इसका एग्जैक्टली. इसमें ऐसा है कि मिनिमम थ्रेशोल्ड में एक लिमिट तय रहती है कि यहाँ तक पे करना है उन्हें, और उसके ऊपर मतलब पे करने के लिए कुछ चेंजेस होते हैं. ठीक है, नॉर्मल मिनिमम थ्रेशोल्ड मतलब इतना पे कर दो उसके बाद देखा जाएगा वाला सीन रहता है. और कमिटेड इन्वेस्टमेंट में ऐसा होता है कि आप एक तय कर लेते हो अमाउंट कि मतलब बोथ वही है, लेकिन उसके बाद कमिटेड इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं होते हैं. और ये इन्वेस्टमेंट एक तरीके का फंड होता है जिसका हम पैसा आगे भी यूज कर सकते हैं. आई थिंक ये शायद इस सेंस में है कि रेगुलर इंटरवल पे इन्वेस्टमेंट करते रहना, मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया और फिर खत्म नहीं होगा, आपको रेगुलरली उस चीज में इन्वेस्टमेंट करना है, शायद ये इस सेंस में है ये कमिटेड इन्वेस्टमेंट. ऐसा भी हो सकता है कि मिनिमम थ्रेशोल्ड में लाइक आपको बोल दिया कि 1000 अभी दे दो, फिर अगर कुछ प्रायर केसेस होते हैं तो फिर आपको और पे करना पड़ेगा. और कमिटेड में ऐसा सीन हो जाएगा कि यू आर कमिटेड टू पे 10,000 रुपीज, कुछ हो या ना हो ऐसा. इससे रिलेटेड
आई थिंक बस याद रख लेते हैं यार रिस्क के अंदर। वी शुड नॉट कंफ्यूज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी विद एनी अदर और बॉडी बेसिकली। एक और प्रोविजन है डिलीशन ऑफ प्रोविजन विच रिस्ट्रिक्ट्स द सेल ऑफ एलिजिबल प्रोडक्ट्स टू डोमेस्टिक सेल्स ओनली। मतलब पहले शायद डोमेस्टिक सेल्स होगा अब उसको हटा दिया है, ठीक है, चेंज कर दिया है मिनिमम एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर 10 प्रोडक्ट्स जो कि टेट्राक्लीन निमोसिन पैरा अमाइनो फिनॉल मेरोपिनिम आर्टिसनेट लोसार्टन टेलमिसार्टन एसाइक्लोवीर सिप्रोफ्लेक्सोविन एस्पिरिन। ये सब क्या है सारे के सारे? अच्छा ये जो मिनिमम थ्रेशोल्ड वाली बात कर रहे हैं तो ये ले मैन लैंग्वेज में तो फॉर एग्जाम्पल अगर 10 हमें कुछ 10 प्रोडक्ट्स हमें प्रोड्यूस करने पड़ेंगे करने हैं पहले होते थे तो अब शायद ऐसा हो गया वो कोई गवर्नमेंट कहे कि 20 करना है आपको तो आप कमिटेड है 20 के लिए मतलब ऐसा ही होगा और क्या इसके अलावा क्या होगा? इन्वेस्टमेंट है ना कमिटेड इन्वेस्टमेंट। अच्छा ठीक है ओके ठीक है नेक्स्ट चलो। Production linked incentive scheme for promotion of domestic manufacturing of medical device. So this scheme है medical devices के लिए. Objective है the scheme aim to boost domestic manufacturing by attracting large investment in medical device sector. Salient features: any company registered in India proposing to manufacture goods under target segment. So apply कर सकते हैं इसके अंदर. The only criteria is that the company should be registered in India. Scheme is applicable only for greenfield projects. ठीक है तो हमने देखा जितने भी ये PLI schemes हैं mostly सारी greenfield के लिए है जो ऊपर हमने देखा ये और key starting material या APIs के लिए वो भी greenfield projects के लिए थी। Again this medical device वाला जो scheme है वो भी greenfield projects के लिए है। The scheme is implemented again by project management agency. Under the scheme, incentive at 5% of incremental sale over the base year. The base year is 1920. Will be provided on the segments of medical devices identified. It seeks to provide assistance to about 25 to 30 manufacturers under the following categories of medical devices. First is cancer care, radiotherapy medical devices, then radiology and imaging devices, then nuclear imaging devices etc. Recent changes again same season replacement of minimum threshold investment with committed investment by selected applicant. Then the tenure of the scheme has been extended by 1 year keeping in view the capital expenditure expected to be done by selected applicants in 21-22. Accordingly the sales for the purpose of availing incentive will be accounted for 5 years starting from 22-23 instead 21-22. So overall अगर summarize करें तो basically तो हमारे country के अंदर medical devices का production बढ़ाने के लिए ये PLI दिया गया और इसके अंदर eligibility criteria क्या है? The company should be registered in India and the scheme is only applicable for greenfield. This is managed by or implemented by project management agency. And under this scheme, incentive will be given on the basis of incremental sale. Or incremental sale कहाँ से देखा जाएगा? Year is 1920. So that's the base here. And in total, 25 to 30 manufacturers will be selected. Or criteria क्या है? Medical devices का cancer care, radiology devices, imaging medical devices like MRI machines etc. And then nuclear imaging devices. बाकी आई थिंक चेंजेस तो इम्पोर्टेंट नहीं है बस ये याद रखो कि कमिटेड इन्वेस्टमेंट कर दे क्राइटेरिया पर सिलेक्टेड है। नेक्स्ट स्कीम एंड न्यूज डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर यूरिया सब्सिडी कोई और पढ़ेगा क्या? गीतिका विल यू रीड?
Recently, the government approved subsidy for urea produced through coal gasification by Thalchar Fertilizer Limited. Thalchar कहाँ पे? Odisha. Odisha. Correct, correct. Odisha. So government approved कर दिया recently subsidy policy for urea production through coal gasification. Coal gasification का procedure कोई explain कर सकता है क्या होता है? What is the objective and what is the process? जो भी कूड़ा होता है सबको डाल दो बस जला दो बस वो तो इंसिनरेशन होता है नहीं उसमें भी होता है जो कोल जो बचा जितना भी इंडस्ट्री का जो भी बचा हुआ हो बेकार चीज सब डाल दो तो उसके बाद हाई टेम्परेचर पे कर दो बस खत्म कहानी उसका संजय गूगल कर लेना कोई इमेज मिल जाएगी शायद हाँ देख लो कोल गैसिफिकेशन बेसिकली उसमें से स्टीम पास करते हैं तो इट रिलीजेस आई थिंक सिन गैस निकलता है ना हाँ सिन गैस निकलता है CO plus N2 है ना सिन गैस क्या CO plus N2 सिन गैस CO plus H2 है शायद N2 वो तो H2 तो वाटर गैस होती शायद प्रोड्यूसर गैस होती है H2 हाँ अरे मैं इस प्लांट में काम कर रहा हूँ ठीक है कोल गैसिफिकेशन कुकर में मिक्सचर ऑफ H2 कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या नो N2 It produces syngas with mixture of methane, carbon monoxide, H2, CO2 and water vapors. ये important है इसको देख लेना काफी news में रहता है syngas निकलती है by means of basically transforming the fossil fuel into synthetic natural gas instead of burning the fossil. Syngas can be used to produce a wide range of fertilizer, fuel, solvent and synthetic material. It is primarily used for electricity generation for production of chemical feedstocks. Okay. So I think application काफी ज़्यादा है इसकी. The hydrogen obtained from coal gasification can be used for various purposes such as ammonia powering a hydrogen economy. In situ gasification of coal or underground coal gasification is the technique of converting coal into gas while it is in steam. While It is still in steam and then extracting it through well. Okay. So underground coal gasification क्या होता है कि basically बिना coal को बाहर निकाले जो mining के time coal जो है वो अंदर earth के अंदर जो मिलता है उसके seams के अंदर कुछ gas जमा हो जाती है तो वहां से उसको extract करना that is underground coal gasification. Right. वापस आते हैं इसपे So objective is to ensure timely, easy availability of urea fertilizer at affordable prices. It's a central sector scheme. Urea is being provided to farmers at a statutorily notified MRP. The difference between the diverted cost of fertilizer, sorry, delivered cost of fertilizer at the farm gate and net maximum and net market realization by urea unit is given as subsidy to urea manufacturer slash importer by the government of India. So it includes direct subsidy to the movement of urea. Is mandated to have a point of sale machine linked to Department of Fertilizer e-Urvarak DBT portal. Anybody buying subsidized fertilizer is required to furnish his or her Aadhaar unique identity Kisan card number. या तो Aadhaar या फिर Kisan card number उसको देना होगा. The quantities of the individual fertilizer purchased along with the buyer's name and biometric authentication have to be captured on POS device. Only upon the sale of getting registered on e-Urvak portal can a company claim subsidy. Payment is remitted electronically to the bank. Okay. समझ में आया? हाँ समझ तो पर summarize कर देना।
बेसिकली यूरिया का एक अफोर्डेबल रेट पे देने का यहाँ पे आइडिया है, और जैसा कि सबको पता ही है यूरिया इज प्रोवाइडेड टू फार्मर्स एट सम सब्सिडाइज रेट, ठीक है, वो नोटिफाइड एमआरपी रहता है जिसके ऊपर उसको सेल नहीं कर सकते. द डिफरेंस बिटवीन द डिलीवर्ड कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर एट अ फार्म गेट एंड नेट मार्केट रियलाइजेशन बाय द यूरिया यूनिट इज गिवन एज सब्सिडी टू द मैन्युफैक्चरर, ठीक है. जितनी भी हम स्कीम्स अब तक पढ़ते थे या हमने देखी है उनमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो कॉमन मैन को मिलता था, ठीक है. यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो सीधा कंपनी को मिलता है, ठीक है. ये इसके अंदर तो जो जितने रेट पे वो फार्मर को मिल रहा है और जितना उसका मार्केट रेट रहता है उस फर्टिलाइजर का, वो जो डिफरेंस है वो सब्सिडी है जो कि गवर्नमेंट देगी यूरिया मैन्युफैक्चरर को या यूरिया इंपोर्टर को, ठीक है. इंडिया पूरी तरीके से आई थिंक फर्टिलाइजर के अंदर सेल्फ सफिशिएंट नहीं है. आई थिंक यूरिया के अंदर तो फिर भी है, बट पोटैश और उसके अंदर इतना नहीं है, ठीक है. तो इम्पोर्टर्स भी करते हैं इसको खासकर. तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा कैसे कि ईच रिटेलर यानी एक जो शॉपकीपर है जो कि सेल कर रहा है ये फर्टिलाइजर, ही हैज टू हैव अ पॉइंट ऑफ सेल मशीन विच विल बी लिंक टू डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स ई उर्वरक, ठीक है. ये ई उर्वरक पोर्टल है, नाम थोड़ा देख लेना, उर्वरक. तो एनीबडी बाइंग द सब्सिडाइज फर्टिलाइजर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश हिज आधार कार्ड और किसान क्रेडिट कार्ड नंबर, फिर आप उसको वो डिटेल दोगे और अपना बायोमेट्रिक डिटेल उस पॉइंट ऑफ सेल मशीन में डालो, ठीक है. तो उससे आपका जो सारा इंफॉर्मेशन है बायोमेट्रिक और आधार कार्ड नंबर या किसान कार्ड नंबर ई उर्वरक पोर्टल के अंदर चला जाएगा, और उसी बेसिस के ऊपर जितना एक्चुअली में सेल हुआ है गुड्स उसी अकाउंट के ऊपर जो कंपनी है उसको वो सब्सिडी मिलेगी, ठीक है. ये इसके अंदर आप देखते हो, आई थिंक पता नहीं स्कीम का लिंक क्या था, और तो सिर्फ यूरिया सब्सिडी है. नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट बेस्ड, मैं पढ़ लो. हाँ, नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम. ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, promote growth of indigenous fertilizer industry, encourage competition among fertilizer companies, and to reduce burden of subsidy. So basically, it is a central sector scheme. The scheme was launched in 2010 when the prices of phosphatic and To ensure balanced use of fertilizer, improve agricultural productivity, promote growth of indigenous fertilizer industry, encourage competition among fertilizer companies, and to reduce the burden of subsidy. Okay. So I think India में skewed है बहुत ज़्यादा जो nutrient मतलब soil के अंदर nutrient requirement है. Ideal कोई बता सकता है ideal कितना है वो ratio nutrients का soil के अंदर? इंडिया में कितना है करंट यूज होता है वो, हमें प्रैक्टिकली याद है? 10-1 के 10 बड़ा वेग था भाई. हाँ, पता नहीं काफी थोड़ा 18-5-1 करके कुछ कर दो. हाँ भाई, किसी को मिले तो डाल देना ग्रुप में यार, इम्पोर्टेंट है वो कि मेंस में कोट करने के लिए. Then it is a central sector scheme. The scheme was launched in 2010 when the prices of phosphatic and potassic fertilizer were decontrolled. Prices of urea is still controlled. ठीक है, ये important information है. Prices of urea is still controlled. बाकी दोनों जो category of nutrient based fertilizer है उनके अंदर control जो है वो government ने हटा दिया. So maximum retail price MRP of potassic and phosphatic fertilizer is decontrolled, and fertilizer manufacturer marketers are allowed to fix MRP at a reasonable price. The center provides a fixed rate of subsidy on each nutrient. These nutrients include primary nutrients,
नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट सल्फर. एडिशनल सब्सिडी फॉर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक बोरोन और जिंक ऑल्सो इज प्रोवाइडेड. 22 ग्रेड्स ऑफ पोटैश एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर नेमली डीएपी, एमएपी, टीएसपी, एमओपी, अमोनियम सल्फेट, एसएसपी, 16 ग्रेड ऑफ एनपीकेएस, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटैश, सल्फर, अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर आर कवर्ड अंडर द स्कीम. द सब्सिडी इज गिवन टू फर्टिलाइज मैन्युफैक्चर एंड द रेट ऑफ सब्सिडी इज डिसाइडेड ऑन द एनुअल बेसिस. तो इसके इस केस के अंदर भी वो लोग सब्सिडी दे रहे हैं डिस्पाइट हैविंग इट प्राइस डी कंट्रोल. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सॉरी फॉस्फेटिक और पोटेशियम तीनों के लिए मिल रही है, ये दो के लिए है, पी और के लिए. और दूसरा जो लिखा था कि उसमें लिखा है ना, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम के नीचे लिखा है कि द प्राइस ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर स्टिल कंट्रोल्ड. ये वाला हुआ था बाद में डी कंट्रोल यूरिया पॉलिसी के आने के बाद 2015 में, जब लीन कोटेड यूरिया आया था. आई थिंक ये एडिशनल कैटेगरी दिए हुए ना, इनके अंदर भी सब्सिडी देती है गवर्नमेंट. लिख रहा है ना एडिशनल सब्सिडी फॉर बोरोन एंड जिंक. हाँ एडिशनल, क्योंकि क्योंकि ऑलरेडी नाइट्रोजन तो मिल रही थी, मतलब वो यूरिया नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर हो गया और एक और नाइट्रोजन के लिए वो सब्सिडी देना इज नॉट, वाज नॉट फीजिबल. तो उसको मतलब पूरा कंट्रोल करने के लिए जो अभी लिखा भी दर्शन विजय ने कि वो पूरा डिकंट्रोल हो, बहुत ज्यादा मतलब ओवर यूज हो रखा है नाइट्रोजन वाला, तो उसको कंट्रोल करने के लिए और बैलेंस करने के लिए तो फाइनली गवर्नमेंट ने जो है पोटेशियम और फॉस्फेटिक वाले फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देना शुरू किया था, क्योंकि यूरिया पे ऑलरेडी मिल रहा है, वो नाइट्रोजन बेस्ड है ऑलरेडी. देन नेक्स्ट पे चलते हैं, सिटी कंपोस्ट स्कीम. कंपोस्ट क्या होता है, व्हाट इज कंपोस्ट? अरे वो जहाँ पे सारा पेड़ पौधे जब सड़ जाते हैं तो कंपोस्ट ऑर्गेनिक. द ऑब्जेक्टिव इज टू सपोर्ट स्वच्छ भारत मिशन एंड टू प्रोवाइड सिटी कंपोस्ट एट सब्सिडाइज रेट टू फार्मर. तो सिटी का जितना भी किचन वेस्ट होता है उन सबको यूटिलाइज करके उनका कंपोस्ट बनाने का एक आइडिया है. एंड इट इज अ सेंट्रल सेक्टर, इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम अंडर अंडर द स्कीम. एक एग्जांपल याद आ रहा है, कोई साउथ इंडिया में कोई टेंपल था जहाँ बहुत सारे फ्लावर्स वगैरह आते थे, तो उन्होंने मतलब उसका कंपोस्ट टाइप को जैसे बेलो कर दिया. तिरुपति बालाजी है सर. ओके हाँ बालाजी है. इवन सेम वाराणसी में है ना. हाँ ये बहुत जगह पे होगा सर, मैंने काफी बार न्यूज़ में देखा इधर उधर मैंने. आई थिंक रिसेंटली एक न्यूज़ में भी था कि कोई फार्मर है वो उसका कंपोस्ट का यूज करके फ्लोटिंग आई थिंक फ्लावर्स उगा रहा है, वही कंपोस्ट को यूज करके, मतलब उसने एक प्लेटफॉर्म बना दिया तो वो पानी में फ्लोट करते रहते और उन्हीं के ऊपर फ्लावर्स उग रहे. एक था आइडिया. ओके एक और चीज है इसी के बारे में, शायद पुणे में कोई महिला है, शी हैड स्टार्टेड सिमिलर इनिशिएटिव, मतलब वो खुद ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जो सबके घरों से ऐसे कचरा वगैरह इकट्ठा कर रही थी, पेड़ वगैरह पौधे होते हैं ना, किसी को याद है क्या, किसी को पता है? वो सोशल वर्कर थी, न्यूज में भी आई थी. ठीक है. अंडर द स्कीम अ मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट ऑफ 1500 पर टन of city compost for scaling up production and consumption of the product is being provided. Promotion of city compost will be done by fertilizer company and marketing entity. Company will also adopt village for promoting the use of compost. An appropriate BIS standard eco mark will be developed to ensure better market. Okay. तो बेसिकली जितना भी सिटी का वेस्ट है उसको सब्सिडाइज रेट पे फार्मर्स को देने का ये इसके अंदर आइडिया है. और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसके अंदर अ मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट दिया जाएगा ऑफ रुपीज 1500 पर टन. यानी जितना एक कोई कंपनी जो है वो सिटी कंपोस्ट को टन, मतलब पर टन के हिसाब से उनको 1500 रुपये का
जो गवर्नमेंट है वो असिस्टेंस देगी, ठीक है, फॉर स्केलिंग अप प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अंदर सिटी कंपोस्ट को यूज करने के लिए प्रमोट किया जाएगा बाय फर्टिलाइजर कंपनी, मार्केटिंग एंटिटीज एंड कंपनी विल आस्क टू अडॉप्ट विलेजेस फॉर प्रमोटिंग यूज ऑफ कंपोस्ट। फार्मर्स के साथ एक फॉरवर्ड लिंकेज भी तय कर दिया जाएगा कि यहाँ से अगर इस कंपनी से अगर कुछ कंपोस्ट तैयार होता है तो ये सिलेक्टेड विलेजेस में जाएगा ही, ठीक है। और इसके लिए एक अप्रोप्रिएट BIS या इको मार्क भी डेवलप किया जाएगा। ये आइडिया है स्कीम का। इंदौर में ऐसा होता है कि जो बाय कंपोस्ट करते हैं वो घर में भी कर सकते हैं, तो उसके लिए उनको आई गेस रिबेट मिलता है 50% कुछ ऐसा करके सीन था वहां पर, मतलब जो उनके गार्बेज कलेक्शन का वो रहता है ना उसमें उनको रिबेट मिलता है कि आपको इतना पे नहीं करना पड़ेगा। और मतलब वहाँ पे एक इंटीग्रेटेड बायो वेस्ट का कुछ ऐसा सिटी कंपोस्ट जैसा ही है आई गेस, बट बायो कंपोस्ट बोलते हैं उसको। इंदौर एक एग्जांपल है। I mean, similar case study है मुंबई का, इट्स कॉल्ड अर्बन फार्मिंग एग्जाम्पल। सो डॉक्टर दोषी के फेमस पर्सनैलिटी है, ही रेवोल्यूशनलाइज दिस इनिशियली इन मुंबई इट सीम्स। तो वॉट इट इट वॉज जो भी वेस्ट है ना ऑर्गेनिक वेस्ट ही कलेक्टेड एंड देन ही मेड कॉम्पोस्ट आउट ऑफ इट, ऑर्गेनिक कॉम्पोस्ट, एंड देन अल्टीमेटली ही यूज फॉर प्रमोशन ऑफ अर्बन फार्मिंग। सो अर्बन फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट ही इंट्रोड्यूस इन मुंबई, डॉक्टर दोषी, ओके, यू कैन रीड अबाउट इट लेटर, यू कैन कोट इन एग्रीकल्चर मॉडर्न ऐसा कुछ। Next is Department of Pharmaceutical, Team for Promotion of Medical Devices Park. अभी ऊपर हमने PLI पढ़ा था Medical Devices में, अब ये स्कीम है for promotion of Medical Devices Park. So recently the cabinet has approved the promotion of domestic manufacturing of medical devices. The objective is creation of world-class infrastructure facility in order to make India medical device industry a global leader. Second, into easy access to standard testing and infrastructure facility through creation of world-class common infrastructure facility. So, जैसा हमने I think TAN Sora का example देखा था अनिल स्वरूप बुद्धि वाले, उसमें वैसे ही common facility दिया जाएगा जहाँ पे common testing areas, common roads और common और तरह के infrastructure दिए जाएंगे, तो multiple units जो है वो एक साथ establish हो सकते। Significant reduction of cost of production of medical devices leading to better availability and affordability of medical devices in the domestic market. Then, exploit the benefit arising due to the optimization of resources and economy of scale. Okay. Salient features. There is a central sector scheme. Central sector scheme hai. Medical devices park means a designated contiguous area of land with common infrastructure facility for exclusive manufacturing of medical devices. 4 medical devices will be supported. A maximum grant in aid for one medical device park will be limited to 100 crore. Total financial outlay for the scheme is 400 crore. The total duration is 5 years. A one-time grant in aid will be provided for creation of common infrastructure facility in selected medical device park proposed by state government. Okay. State governments भी अपना medical device park propose कर सकती है, तो ऐसे parks को one-time grant in aid दिया जाए, but जो center की तरफ से उसके अंदर maximum 4 ही बनेंगे. Note, India depends on import up to an extent of 85% of the total domestic demand of medical devices. तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमने अब तक इतना कोई डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर नहीं रहे थे मेडिकल डिवाइस, क्योंकि 85% ऑफ दीज डिवाइसेस कम फ्रॉम इंपोर्ट। तो एक बार फटाफट सम अप कर देता हूँ। तो बेसिक एम इज टू इम्प्रूव क्या, टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर इंडियन मेडिकल डिवाइसेस, ताकि इंडिया जो है इसमें ग्लोबल लीडर बन सके। Provide easy standard testing and infrastructure facility through common infrastructure facility. Then, significant reduction of cost of production of medical devices. क्योंकि common facility है, सारा common infrastructure है, तो automatically जो production में
प्रोडक्शन से जो आउटपुट निकलेगा वो काफी चीपर होगा और कॉम्पिटेटिव हो। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और मेडिकल डिवाइसेस इज डेजिग्नेटेड एज अ कॉन्टिगुअस एरिया विद कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल डिवाइसेस। टोटल 4 मेडिकल डिवाइसेस विल बी मेड। 100 करोड़ ग्रांट इन एड दिया जाएगा टू ईच मेडिकल डिवाइस पार्क एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो प्रपोज देयर मेडिकल डिवाइस पार्क एंड उनको वन टाइम ग्रांट इन एड दिया जाएगा इसके लिए। ठीक है, स्कीम 5 साल के लिए 2021 से शुरू होकर 2024-25 तक। नेक्स्ट है प्लास्टिक पार्क स्कीम। तो द डिपार्टमेंट हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ 10 प्लास्टिक पार्क्स इन द कंट्री। ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस एंड इन्वेस्टमेंट्स, अचीव एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ एंड अडॉप्ट द क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच टू कंसोलिडेट द कैपेसिटीज इन प्लास्टिक सेक्टर। इट ऑल्सो सीक्स टू रिड्यूस प्लास्टिक इम्पोर्ट्स। सेलियंट फीचर्स है, इट वॉज एनवर्सेस्ड इन द नेशनल प्लास्टिक पार्क पॉलिसी इन 2010 विच वॉज मॉडिफाइड इन 2013। द स्कीम सपोर्ट सेटिंग अप ऑफ नीड बेस्ड प्लास्टिक पार्क्स एंड इकोसिस्टम विद रिक्विजिट स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अनेबलिंग कॉमन फैसिलिटीज टू असिस्ट द सेक्टर मूव अप द वैल्यू चेन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनमी मोर इफेक्टिवली। फंडिंग पैटर्न है कि सेंटर विल प्रोवाइड 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट सब्जेक्ट टू सीलिंग ऑफ 40 करोड़ पर प्रोजेक्ट एंड रेस्ट विथ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर्म बाय स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। प्लास्टिक का अपना ये जैसे रिड्यूस करना चाहते हैं तो प्लास्टिक का इम्पोर्ट कितना है? और प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में किसी को पता है क्या? जैसे माइक्रो प्लास्टिक से कीवर्ड कुछ और था पर और क्या है इसके बारे में? वो कोई ऐसा नहीं है, वो 4R है जो प्लास्टिक के लिए है। कोई प्लास्टिक का एक आया था ना प्रीलिम्स में, माइक्रो बीड्स एक किसी को जानता है माइक्रो बीड्स दो टाइप के होते हैं ना, एक होता है माइक्रो प्लास्टिक और एक याद नहीं आ रहा है तो बायोप्लास्टिक बायोप्लास्टिक्स। ओके, बायोप्लास्टिक मिनिमम थिकनेस कितनी होती है माइक्रो प्लास्टिक की? 0.05 माइक्रो, 50 माइक्रो, 50 या 0.5 वो एमएम में होगा वो बोल रहा जो। अच्छा सेम सेम 50 माइक्रो सेम। तो प्लास्टिक पोल्यूशन का और कोई साइंटिफिक कुछ है क्या, मतलब बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला कोई किसी को पता हो तो? एक वो बीचेस पे नहीं आया था प्लास्टिक के लिए? हाँ पत्थर पे लगा हुआ था ना शायद ऐसा कुछ तो, जो मोदी जी कर रहे थे ना साउथ इंडियन के बीच में फॉगिंग फॉगिंग। ए डिस्कशन कर रहे थे और ये नाटक चला और भी मैं बीच से ऐड हुआ ना कुछ काफी समझ नहीं आया। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बोल रहे हो शायद? हाँ ब्लू फ्लैग तो अलग है, वो अलग है, वो क्लीन लेने बीच के लिए ऐसे कुछ है ना। 9 बीचेस को मिला है ना अभी ब्लू फ्लैग? 8 8 8। ओके ठीक है, बट एनीवे वी आर ट्राइंग टू फेज आउट ना। नेक्स्ट चलते हैं फिर। ये स्कीम समझा दो एक बार एग्जैक्टली है क्या, प्लास्टिक पार्क्स मतलब क्या है? ठीक
हाँ, इसमें इंक्रीज करना है कॉम्पिटिटिवनेस एंड इन्वेस्टमेंट और एनवायरनमेंट सस्टेनेबली अपन को ग्रोथ करनी है और इम्पोर्ट भी कम करना है प्लास्टिक का, ठीक है। और इसमें इस पॉलिसी ये आई थी, इट वॉज मॉडिफाइड इन 2013 नेशनल प्लास्टिक पार्क पॉलिसी, ठीक है। तो इट सपोर्ट सेटिंग अप ऑफ नीड बेस्ड प्लास्टिक पार्क। प्लास्टिक का रिसाइकलिंग के बारे में होगा ना ये सब, मोस्ट प्रोबेबली रिसाइकलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इको फ्रेंडली प्लास्टिक नया बनाना है या फिर जो इंपोर्ट कर रहे हैं प्लास्टिक उसका डिपेंडेंस कम करना है एंड जो भी है उसी को इंडिया के अंदर रिसाइकल करते रहना है काइंड ऑफ। ओके, और फंडिंग 50% सेंटर देगी और स्पेशल पर्पस व्हीकल या स्टेट वगैरह भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये जो अभी न्यूज़ में आता है कि आप लोग, हम सब लोग वैक्सीन ले रहे हैं तो उसका भी वो जो सिरिंज है ना, मतलब जो इंजेक्शन तो वो भी सिंगल यूज प्लास्टिक ही है, बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट है ना वो तो सिंगल यूज प्लास्टिक ही होगा। बायोमेडिकल वेस्ट कौन से रूल्स के अंदर आता है? बायोमेडिकल वेस्ट रूल ईयर एनीवन? 2010 जो नहीं पता यार। नेक्स्ट चलो, ठीक है हटाओ। उड़े वेस्ट के हम उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी बंद कर दीजिए। हाँ, सो व्हाई इन न्यूज, रिसेंटली गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 78 न्यू रूट्स अंडर फोर्थ राउंड ऑफ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम्स। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फैसिलिटेट और स्टिमुलेट रीजनल एयर कनेक्टिविटी बाय मेकिंग इट अफोर्डेबल बाय सपोर्टिंग एयरलाइन ऑपरेशन थ्रू कंसेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड एयरपोर्ट ऑपरेटर। Initial viability gap funding or VGF support to provide connectivity to unserved and underserved regions through revival of existing airstrips and airports. Underserved kya hai? Airports are those which don't have more than 7 flights a week, 14 for priority areas, while there are no scheduled commercial flights. The ministry aims to operationalize thousands कॉल कीजिए हाँ थाउजेंड्स रूट्स एंड मोर देन 100 एयरपोर्ट्स इन नेक्स्ट 5 इयर्स। आते हैं साइलेंट फीचर्स क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज डेजिग्नेटेड एज इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, इट इज अ की कंपोनेंट इन नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016। दिस स्कीम्स वुड बी ऑपरेशनल ऑपरेशन वुड बी इन ऑपरेशन फॉर अ पीरियड अप टू 10 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द स्कीम वर्जन। As a unique demand and market-based model to develop regional activity, RCS will be operational only in states and at airports, aerodromes, helipads, which commit and support the scheme, providing concession as required by the scheme. Airfares on regional flights are capped at 2500 rupees per hour of approximately 500 kilometers on an aircraft or for a 13-minute on helicopter. Airlines have to provide 50% of the seats, minimum of 9 and maximum of 40 udaan seats at subsidized rates. Remaining 50 seats will be priced at a market rate. For helicopter, if seats are less than or equal to 13, then it is required to provide 100% as RCS seat. But if capacity is more than 13, then maximum 13 will be considered as RCS seat. A support in form of concession and VGF will be provided to selected operator for RCS routes under this scheme. Center will share 80% of the VGF collected by charging a levy up to 8,500 on each departing flight of domestic airlines, and the rest 20% will be come from a respective state government. But other than northeastern states, UK, Uttarakhand, Himachal Pradesh and UTs will contribute 10%. A connectivity fund would be created for this purpose. However, this for the specific routes classified as state RCS routes and Lakshadweep specific route
State government and Ministry of Home Affairs respectively shall be responsible for reimbursing 100% of the VGF under the scheme. State government have to provide free security and fire service utilities at concessional rate free lands for RCS airport. Airports, aerodrome, helipad operator, no landing charges, parking charges or terminal navigation landing charges will be imposed for RCS flight, etc. In case of any rehabilitation, upgradation of infrastructure is required at airport and water aerodromes, helipads to make them operational for RCS operation. It can be undertaken by AAI under payment of required cost for respective state government, airport, water aerodrome, helipad operator. Ship will not change, however. तो ये कहने का ये मतलब है कि इट इज़ फॉर अफोर्डेबल, बेसिकली जैसे हम बैंक्स को बोलते हैं ना फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो ये लोगों को करना चाहता है एयरलाइंस में बाय मेकिंग इट अफोर्डेबल. और क्या है, कंसेशन दिया जाता है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और VGF का भी स्कीम है. VGF का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब एक होता है ना कि मार्केट वायबल कितना कॉस्ट होगा, और एक है कि गवर्नमेंट कितना कैप कर रहा है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2,500 पर फ्लाइट पे एयरफेयर्स को कैप कर दिया जाएगा, ठीक है. तो सपोज उसका मार्केट प्राइस जो था वो 3,000 था या 4,000 था, तो वो जो गैप रहेगा वो गवर्नमेंट उसको पे करेगी, ये वायबिलिटी गैप करने के. थैंक यू. हाँ, काइंड ऑफ PPP मॉडल है. इस स्कीम से रिमोट एरियाज को भी लाया जाएगा, मतलब रिमोट तो नहीं कह सकते, रिमोट का तो फिर कोई रह ही नहीं रहा, तो वहां प्लेन ले जाके क्या करेंगे. बेसिक आइडिया है टियर 2 या टियर 3 सिटीज है उनको कनेक्ट करने का आइडिया है. ओके, वैसे अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड रीजंस लिखा. हां, मतलब अनसर्व्ड का मतलब है कि वहां फ्लाइट नहीं जा रही है, लोग रह रहे हैं वहां. Which do not have more than 7 flights a week, 14 for priority and unserved होते हैं जहाँ there are no scheduled commercial flights. Okay. जैसे हमने no frill account देखा था ना, वैसे ही no frill airport का concept है कि मतलब limited उसके अंदर services होंगी, कि अगर एक strip भी है तो उसको भी use करेंगे regularly, ठीक है. और इसके अंदर जो मतलब जो सब फैसिलिटीज है, लाइक क्या नाम बोलते हैं उसको, फायर एक्सटिंग्विशर वाली सर्विसेज हैं और जो हेल्थ केयर वाली फैसिलिटीज है, वो सब स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा. यहाँ पे स्टेट का काम ये भी है कि वो फ्री लैंड प्रोवाइड करे फॉर RCS एयरपोर्ट, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो अल्टीमेटली स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है. तो ये ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है कि वो उसके लिए फ्री लैंड प्रोवाइड करे फॉर सच RCS एयरपोर्ट. और ये शास्त्र एक बार फीचर समराइज कर दे. पासपोर्ट नहीं पढ़ा था ना शायद. हाँ ठीक है, मैं कर देता हूँ. आई थिंक ऑब्जेक्टिव तो सबने डिस्कस कर ही लिया. या चेक इट वेदर इट्स 1000 रूट्स और 100 रूट्स. या इट इज 1000 रूट एंड मोर देन 100 एयरपोर्ट. लाइक नाउ द रीसेंट न्यूज इज द मोदी गवर्नमेंट प्लान्स ओवर 100 रूट्स फॉर सी प्लेन्स. इट्स वेदर इट्स ओनली फॉर एरोड्रोम्स और I think it's for overall 1000 okay, route. Okay. 1000 route and 100 airports in next 5 years. Okay. Thank you. So implementing agency was Airport Authority of India, and it is a component of National Civil Aviation Policy of 2016. So ये जो scheme का period है, ये up to 10 years है, and it is a unique demand and market based model to develop regional connectivity. RCS will be operation only in state and at airport, aerodromes and helipad. ठीक है, aerodromes मतलब वो water वाले plane होते हैं ना, वही होता है, right? Aerodromes थोड़ी water का होता है. और क्या होता है? अलग है शायद वो. शायद ऐसे भी मतलब व्हाट आई नो
एयरपोर्ट जो होते हैं वो बड़े होते हैं, एयरपोर्ट के नीचे शायद एरोड्रोम आते हैं। हाँ हाँ सही कह रहा है। हाँ हाँ एरोड्रोम भी स्मॉल शॉर्ट ड्यूरेशन शॉर्ट डिस्टेंस पानी वाला नहीं है, मतलब ये बिल्कुल मिनिमम फैसिलिटी वाला एयरोड्रोम है। हाँ, देखिए अगर कोई स्टेट ले लीजिए, अगर स्टेट का कैपिटल में है एयरपोर्ट, तो जो जहाँ पे मतलब मतलब रिसेंटली बना होगा तो उसको एरोड्रोम बता दिया जाता है। तो प्राइस हमने देखा, प्राइस वाज कैप्ड एट 2500 पर आवर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर, ठीक है, यानी उससे ज्यादा होगा तो उसके लिए स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, और इन केस ऑफ एन हेलीकॉप्टर इट इज 30 मिनट। तो एयरलाइंस हैव टू प्रोवाइड 50% ऑफ द सीट, मिनिमम 9 मैक्सिमम 40 एट सब्सिडाइज रेट, बाकी 50 वो अपना मार्केट रेट के हिसाब से रख सकते हैं। फॉर हेलीकॉप्टर इफ सीट्स आर लेस देन 30 देन 100% एज आरसीए सीट, बट इफ कैपेसिटी इज मोर देन 30 देन एटलीस्ट हाफ यानी अगेन मैक्सिमम 13 विल बी कंसीडर्ड एज आरसीए सीट, यानी वहां पे प्राइस जो है वो 2500 पर आवर का रहेगा। Then support in form of concession and viability gap funding. The center will provide 80% of the viability gap funding collected by charging a levy of up to 8,500 on each departing flight of domestic airline, and rest 20% will come from respective government. ठीक है, तो हमारी जो center है वो हर domestic airlines के ऊपर जो भी depart करती है उसके ऊपर 8,500 रुपए का एक fee charge करेगा। उस पी से जितना भी फंड आएगा वो ये रीजनल कनेक्टिविटी फंड में जाएगा और उसी से ये वायबिलिटी गैप फंडिंग हो, और बाकी जो 20% है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट देखेंगे। फिर अगेन नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स के लिए ये 10% ये कॉन्ट्रीब्यूशन। ऑल राइट, बाकी सब अपन ने देख लिया है, ये आई थिंक काम करने है, तो आई थिंक नेक्स्ट इसमें याद रखो कि स्टेट गवर्नमेंट हैज टू प्रोवाइड फ्री सिक्योरिटी एंड फायर सर्विसेज यूटिलिटीज, सिमिलरली नो लैंडिंग चार्जेस, नो पार्किंग चार्जेस एंड टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग चार्जेस, एंड अब जीरो है इसका, याद रखो ये भी। एंड ओनरशिप में चेंज नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, ओनरशिप वैसी ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है ऋषि उड़ान स्कीम, क्या हो गया ब्लू व्हाइट? ओनरशिप का क्या पॉइंट है? ओनरशिप चेंज नहीं होगी, जो भी पहले ओनरशिप थी वही रहेगी इसके अंदर भी। मतलब जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी है इम्प्लीमेंटिंग और स्टेट और सेंटर का है वैसे वाला नहीं, मतलब अभी जो भी ओनर होगा ना जो भी एयरपोर्ट का, उसमें स्कीम के बाद भी कुछ बदलाव नहीं आएगा, मतलब स्कीम के थ्रू वी आर नॉट बाइंग और सेलिंग स्टेक्स वगैरह, ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना। हाँ, बस बस सर्विस में प्रोविजन। करेक्ट करेक्ट। हाँ ओके, नेक्स्ट है कृषि उड़ान स्कीम। तो दिस स्कीम्स वाज अनाउंस्ड इन बजट 2020-21। द स्कीम्स इंटेंड टू असिस्ट फार्मर्स इन ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सो दैट द स्कीम इम्प्रूव सो दैट इट इम्प्रूव्स देयर वैल्यू रियलाइजेशन स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट एंड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। Under this scheme, the first domestic dedicated freighter carrier perishable agriculture produce from Lengpul Airport, Mizoram to Kolkata Airport. Similarly, agricultural producers are also transported from Guwahati International Airport to Hong Kong. The customs, plant quarantine, other necessary services are also made available in the Guwahati International Airport. So, iska kehne ka matlab hai jo perishable कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, जैसे आप बोल सकते हो ना ऑर्गेनिक फार्मिंग, वो जो पेरिशेबल तो होते हैं ना, तो शायद उसको मतलब ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए यूज किया गया है इसके अंतर्गत। तो क्या है वैल्यू रियलाइजेशन स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, और एग्जाम्पल दिया गया है कि पहले किया गया था कहाँ, लेंगपुल से कोलकाता एयरपोर्ट, और अभी हाल ही में गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हांगकांग लिया गया है। ये पेरिशेबल ऑर्गेनिक भी हो सकता है ना, डू रेक्टिफाई मी, कोई भी हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, नॉन ऑर्गेनिक भी हो सकता है,
स्ट्रॉबेरीज है, स्ट्रॉबेरीज है हफ्ते भर में खराब हो जाती है, तो जितना जल्दी उसको ट्रांसपोर्ट पे करके ले जाया जाएगा उतना बेटर वैल्यू रियलाइजेशन हो पाएगा उसका। टोमेटोज टोमेटोस दिया, टोमेटोज के नो। ठीक है। देन आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज न्यूली लॉन्च स्कीम, आता है PLI स्कीम फॉर वाइट गुड्स, एयर ये कंडीशनर सेकंड एंड एक सेकंड LED। शाश्वत स्टोरीज करने हाँ हैं क्या जी, अभी? इट्स 11:10:45 हो गए हैं। सही कह रहे हो, वहां कर लो भाई, थक गए हैं। हाँ करना। हाँ, सीम्स लाइक माय लकी डे। विजय एक और तो मैं जी पढ़ूंगा, प्लीज शेयर योर स्क्रीन। एक मैं एक मैं मेरा कल रहता है। शाश्वत हाँ झगड़ लो, लो बाद ठीक है, मैं पढ़ लूंगा, ठीक है। का पत्ता कट पहले। हाँ ठीक